हम इस सृष्टि के रचयिता के महान पुत्र हैं। हमें से हर एक के भीतर महान शक्तियाँ, अपने भीतर छुपी उन शक्तियों को पहचान कर उन्हें पोषित करो। अपने अंदर छिपी क्षमताओं को पहचानो और निखारो उन्हें। बस इस सच को हमेशा याद रखो, आपकी शक्तियाँ असीमित हैं, अनंत हैं। अपने ऊपर विश्वास रख कर चलोगे तो कुछ भी तो असंभव नहीं है। पहचानना होगा अपने आप को, यात्रा तो लंबी है पर मंजिल पर बसा होगा आपके सपनों का शहर। क्यों लगता है तुम्हें कि तुम्हारे पास तुम्हारे सपनों के शहर तक पहुंचने के उचित संसाधन नहीं है? तुम्हारे पास अगर तुम हो तो सब कुछ तो है तुम्हारे पास, पर अफसोस तो यही है कि हमें अपनी कीमत का अंदाजा ही नहीं है। एक कहानी सुनाती हूँ। गहरा अंधकार था, एक रात बिजली चमक रही थी, घनघोर बारिश थी। एक युवक तेजी से पहाड़ी की ओर बढ़ रहा था, आत्महत्या के उद्देश्य। जैसे ही उसने पहाड़ी से कूदना चाहा तो एक सन्यासी ने उसे अपनी ओर खींच लिया और सवाल किया, क्यों मरना चाहते हैं? क्यों अपना ये अनमोल जीवन नष्ट करना चाहते हो? युवक ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, हर ओर निराशा है, चारों ओर असफलता ही असफलता है। होने के लिए क्या है मेरे पास? निराशा में सबसे ज्यादा हम यही प्रश्न करते, क्या है मेरे पास? सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, क्या चाहिए तुम्हें? अच्छे जीवन के लिए धन चाहिए, मैं दूंगा। बदले में मुझे सिर्फ तुम्हारी आंखें चाहिए। तुम तो खुद को पूरा खत्म करने चले थे, मुझे सिर्फ तुम्हारी आंखें चाहिए। नगर में एक धनी व्यक्ति है जो नेत्रहीन है, देख नहीं सकता। वो तुम्हें मुंह मांगी कीमत देगा, बस तुम अपनी आंखें दे दो उसे। युवक तुरंत तैयार हो गया। आंखें चली जाए तो क्या, धन तो आएगा। तैयार तो हो गया पर कर ना सका, दे ना सका अपनी आंखों का बलिदान। वही जो कुछ देर पहले खुद को मारने चला था, उसने अपनी आंखों को बंद करके उस नेत्रहीन की स्थिति को महसूस किया और वो डर गया। डर गया कि जैसे जी पाएगा बिना आंखों के, वही जो कुछ देर पहले खुद को मारने चला था। सन्यासी ने कहा, चलो दोनों ना सही एक ही आंख दो, पर उस नौजवान से वो भी ना हो सका। पता चल गई उसे अपनी आंखों की कीमत। एक नेत्रहीन के लिए आंख क्या होती है आज महसूस कर लिया उसने। महसूस कर लिया कि वो तो खजाने से भरा है। एक स्वस्थ शरीर है उसके पास, हाथ सलामत है, पैर सलामत है, संपूर्ण शरीर सलामत है। आज के बाद वो कभी ना कह पाएगा कि क्या है मेरे पास। अगर आपके पास एक स्वस्थ शरीर है तो कभी मत कहिए कि क्या है मेरे पास। मानव के लिए जो सबसे मूल्यवान है वो तो है उसके पास, एक स्वस्थ शरीर, उसका मस्तिष्क, उसका ज्ञान, उसका विश्वास, उसकी सोच, उसकी हिम्मत, यही तो है असली धन। हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारे भीतर कितनी शक्तियों का भंडार है। हम सभी के भीतर तो ये बस ये सोई रहती है। इन शक्तियों को देने का कार्य ईश्वर का है, पर इन्हें जगाने का काम हमारा है, सिर्फ हमारा। पर हम अटक जाते हैं अपनी कमियों में, अपनी गलतियों में, अपनी कमजोरियों में, और फिर भटक जाते हैं अपनी गलतियों में। बस सीखना है, गलतियों को सुधारना है और कमजोरियों से पार पाना है। बस खुद पर विश्वास रखना है। बहुत कुछ है हमारे अंदर जिसे खोजना अभी बाकी है। बस एक बात हमेशा याद रखना, आपके बाहर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपकी मनोकामनाओं को पूरा कर सके। ये शक्ति केवल आपकी आत्मा में ही है, कहीं बाहर नहीं। तू खुद की खोज में निकल, तू क्यों हताश है? चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, कि चल तेरे वजूद को समय की भी तलाश है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए, अपने लिए और अपने अपनों के लिए। हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।